जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनका पेमेंट बैंक अकाउंट के लिए रिलीज हो चुका है, तो वो आप CPMR कर सकते हैं। दोस्तों CPMR करने के लिए मैंने नया सर्वर ढूंढ लिया है, VPN कौन सा, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं एयरटेल प्रूफ के साथ यहाँ पर बात करूंगा, कोई भी हवाई हवा में यहाँ पर बात नहीं होगी। मात्र गए 3 ID से मैंने $6 लिया है, एयरटेल प्रूफ के साथ यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों जिन लोगों के चैनल पर अभी ऐप इंस्टॉल का एड आ रहा है, तो उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो कम से कम एक महीना के लिए अपना CPMR बंद कर दें, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम जब ही सॉल्व हुआ है मैंने एक महीने के लिए पूरा गैप किया है और मेरा जो ऐप इंस्टॉल का ऐड अब मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, मेरा जो ऐड है ठीक हो चुका है। तो गाइज ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है, यहाँ व्यूज देख सकते हो 19,000 है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं गाइज $13.89 जो कि लास्ट 28 डेज का है। चलिए जिस डेट को मैंने वर्क किया था उस डेट का यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो एक दिन में ग्राफ कितना हाई जा रहा है। तो इस डेट को मैंने वर्क किया था, तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो 19 दिसंबर 2022 को मैंने यहाँ वर्क किया है। $5.6 मुझे मात्र 3 ID से वर्क करने पर मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि हम वर्क करते हैं तो हमारा डॉलर ही नहीं बढ़ता है, तो उनका जो है ऐड पर क्लिक करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। ऐड पर क्लिक कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ, वो लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि ऐड पर कितने ऐड पर क्लिक करते हैं। एक वीडियो में 4 ऐड आते हैं, तो 4 ऐड में से मैं जो है सिर्फ 2 ऐड पर ही क्लिक करता हूँ। 2 ऐड पर क्लिक करने पर मुझे 1 ID से समथिंग $2 मिल ही जाता है। और दोस्तों यहाँ RPM देख सकते हो, मेरा RPM और CPM देख सकते हो गाइज। RPM CPM मेरा मेंटेन ही है, RPM मेरा 1.3 का है और CPM मेरा गाइज यहाँ पर 2.14 का है। तो RPM CPM भी मेरा मेंटेन है। और जब आप CPMR करते हो गाइज, अपना RPM और CPM भी देखकर ही आप वर्क करना। RPM हाई हो तो आप CPMR बंद कर देना कुछ दिन के लिए, और आपका CPM हाई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिसंबर में गाइज आप देख सकते हो मेरा $11 हो चुका है, और गाइज मात्र मैंने 3 ID से वर्क किया है और मेरा जो है $6 समथिंग बन चुका है। और यहाँ आप CPM देख सकते हो, जिस कंट्री से वर्क किया हुआ है उसका CPM हमेशा हाई मिलेगा। तो यूनाइटेड किंगडम से मैंने वर्क किया था, आप देख सकते हो $93 का जो है मेरा यूनाइटेड किंगडम का CPM है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के सर्वर से ही मैं वर्क किया था, कौन से सर्वर और VPN से मैं वर्क किया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एयरटेल प्रूफ दिखा दोस्तों। मैं आ चुका हूँ मेरे क्रोम ब्राउजर पर, और गाइज यहाँ आप देख सकते हो मेरा सब कुछ यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं। चलिए डायरेक्ट एयरटेल ओपन करते हैं। तो गाइज जैसे ही मैंने एयरटेल ओपन किया, चलिए लास्ट 7 डेज पर आपको मैं दिखा देता हूँ करके, जिससे आपको देखने में थोड़ा सहूलियत होगा। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो 19 दिसंबर को जो मैं वर्क किया हूँ, स्किपेबल वीडियो एड से जो आया है 3.89 आया है, डिस्प्ले एड से जो आया है वो 1.29 आया है। तो यानी कि इसको मिलाकर जो मेरा बनता है समथिंग $5 के आसपास बन रहा है। और गाइज यहाँ आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज में जो मेरा $10 है, और $10 का जब गाइज आप यहाँ से इसका 45% कट करोगे तो समथिंग $6 के आसपास मेरा बन भी रहा है। तो यानी कि दोस्तों मैं जो वर्क किया हूँ 100% मेरा एड टाइप में भी ऐड हुआ है। दोस्तों चलिए आज के लिए जो सर्वर और VPN है वो आपको मैं बता देता हूँ। यदि गाइज आप भी मेरे तरीका को फॉलो करके वर्क करते हो तो आपका 100% डॉलर बनेगा, क्योंकि गाइज मेरा बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा। जिस तरीकों को मैं यूज कर रहा हूँ वही तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आज का VPN और जो आपका सर्वर है वो आपको बता देता हूँ। तो गाइज VPN की बात करें तो यहाँ VPN है कैनेडा VPN। जी हाँ दोस्तों, कैनेडा VPN अपडेट हो चुका है, इसमें अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरह से अब ओपन हो रहा है, पहले इसके ओपन होने का कुछ और इंटरफेस था। दोस्तों कैनेडा VPN के जो यूनाइटेड किंगडम के जो सर्वर हैं उनसे मैंने वर्क किया था। यूनाइटेड किंगडम के जो सर्वर हैं आपको मैंने CPM दिखाया, यूनाइटेड किंगडम से ही मेरा सारा CPM आया हुआ था। तो ये सर्वर मैं ऑलरेडी बचा चुका हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो भी भाई लोग टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली बेसिस पर बताता रहता हूँ कौन से सर्वर से आपको वर्क करना है, कौन से आपको नहीं करना है। तो यूनाइटेड किंगडम लंडन 8 और यूनाइटेड किंगडम लंडन 7 दोनों ही सर्वर से मैं वर्क किया था, मात्र 3 ID से वर्क किया था। एक यूनाइटेड किंगडम लंडन 8 से मैं 2 ID से किया था और 1 ID मैंने 7 से किया था। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा जो है वहाँ पर $6 बना है मात्र 3 ID से, यानी कि 3 ID पे मैं 6 ऐड पर क्लिक किया। तो आपको पर ID पर 2 ऐड क्लिक करने हैं, या आपका व्यूज कम आ रहा है तो आपको अपने व्यूज के हिसाब से आपको ऐड पर क्लिक करना है। तो ये तो दोस्तों 19 तारीख का मेरा किया हुआ वर्क था। गाइज 20 तारीख को जो मैंने वर्क किया है उसमें मैंने कुछ ID बढ़ाकर किया है, अब उसका रिजल्ट कल आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। उसका भी सर्वर VPN में अलग ट्राई किया हूँ, उस पर मैं जो वर्क किया हूँ अलग सर्वर से किया हूँ, तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है वो भी सर्वर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको मैं सीपीएमएस से रिलेटेड वीपीएन और सर्वर यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर बताता रहूँगा। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप डेली बेसिस पर सर्वर और वीपीएन बताता रहता हूँ, कब कौन से सर्वर से आपको वर्क करना है और कौन सा वीपीएन आपको यूज़ करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।